फवाद चौधरी की बात करते हैं। रवा साल ईद उल फितर 5 जून को होगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का बड़ा ऐलान और कहा कि हमने कमरी कैलेंडर 5 साल के लिए जारी किया है। मेरे ख्याल में रुयत हिलाल कमेटी की जरूरत ही नहीं रही। चांद के हवाले से उलमा को फिक्र नहीं करनी चाहिए। उलमा के और भी बहुत से काम हैं, अपनी तनख्वाहें लेकर ना घबराए। फवाद चौधरी ने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। ये तो आप देखें ना, ये तो मसला है कि पाकिस्तान में अभी क्या ताक रातें आ रही हैं, तो कौन सी रात ताक है? तो ये इस पर हमें गाइड करें, वो फुलजई साहब वाली रात ताक है या मुफ्ती साहब की जो मौलवी साहब की वो ताक रात होगी। सो हर जगह के ऊपर अगर देखें, अगर आपने कन्फ्यूजन रखनी है और अगर आपने साइंस को नहीं मानना तो फिर तो कन्फ्यूजन है, फिर तो हर आदमी का फिर अपना फैसला है ना। मिसाल के तौर के ऊपर आप क्या कह रहे हैं, जैसे आज से लेट से जब टीवी नहीं था तो हर गाँव की ज़ाहिर अपनी ईद होती थी, हर इलाके की अपनी ईद होती होगी। पहले जब इन्फॉर्मेशन का फ़्लो उस तरह तेज़ नहीं था, अब हमारा इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है और टेक्नोलॉजी का फ़्लो है, तो फिर इसके ऊपर अगर हम फंस गए कि नहीं फलाने ने फलानी जगह देख लिया या फलानी जगह और अगला नहीं मान रहा, तो आप क्या करेंगे? सो बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान में एक जो अनफॉर्चुनेट है ना, हम मसल की लड़ाइयों में फंसे हुए हैं।